मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस वक्त प्रेस से चर्चा कर रहे हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। जांच के माध्यम से कल हमने 77,303 सैंपल लिए, 18 नए मामले आए हैं कल कोरोना के प्रदेश के अंदर। इस 18 में से 9 3 इंदौर और 4 6 भोपाल के, 15 लोग कल ठीक होके अपने गंतव्यों की ओर घरों की ओर गए हैं और 124 एक्टिव केस मध्य प्रदेश में बचे, जबकि हमारी संक्रमण दर 0.023% ही रह गई है और रिकवरी दर, ठीक होने की दर हमारी 98.6 बनी हुई है। हाँ सर, कल सर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह ये ट्वीट कर रहे हैं कि शिक्षकों पर लाठी मारी जा रही है, शिक्षकों पर लाठी मारी जा रही है। मित्र, ये दिग्विजय सिंह जी वो हैं जो इन शिक्षकों को 500 रुपया महीना देते थे और शिवराज सिंह जी की सरकार में उनको 50,000 रुपया महीना मिलता है। इनको कहां से हक आ गया ट्वीट करने का? ये कमलनाथ जी वो है जो 15 महीने शिक्षकों के लिए ऊपर वल्लभ भवन से झांक के नहीं देखा नीचे, वो पार्क में बैठी बेटियां मुंडन करा रही थी, इसीलिए अभी कल गो बैक के नारे लगे पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री के। ये घड़ियालू आंसू है, ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, ये जनहितैषी सरकार है, कर्मचारी हितैषी सरकार है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इनका सोच है। ऐसे संकल्प पहले कई बार ले चुके हैं कि हम अगली 15 अगस्त का झंडा फहराएंगे, अगला बैठक विधायक दल की सीएम हाउस में होगी। जो दोनों संकल्प का हश्र हुआ है वही उनके इस संकल्प का हश्र होगा। सर, दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी शाह सरकार ने तालिबानी आतंकियों से किस तरह से चर्चा किया, आश्वासन दिया कि वो देश में हमला करेंगे या नहीं करेंगे। आप लोग भी कुछ ज्यादा ही उनके ट्वीट की चर्चा कर देते हो, इनको ट्विटर तक ही रहने दो। ग्वालियर एसपी ने निर्देश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी सिविल ड्रेस में, मैं पक्षधर हूं उस बात का और इसलिए उसके इंप्लीमेंट देखने के बाद में जब बैठक होगी तो इस विषय को कैसे हम विस्तारित कर सकते हैं इस पर चिंतन करेंगे। सर, यात्रा जो चल रही है जन आशीर्वाद यात्रा जनता के बीच में जा रहा है, सपोर्ट कितना समर्थन मिल रहा है जनता के? मीडिया के माध्यम से पूरा प्रदेश देख रहा है, एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो जनता का आशीर्वाद लेने जाती है। बाकी तो लोग जब पावर में आ जाते हैं तो वल्लभ भवन की 5वें माले से आशीर्वाद देने लगते हैं, वो खुद ही महामंडलेश्वर हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में मंत्री बनने के बाद भी आशीर्वाद लेने लोग जा रहे हैं, प्रबल समर्थन। अब स्वाभाविक रूप से जब गए हैं तो मांगेंगे ही मंत्रीगणों से, मांगा भी। सर, महिपुर में दिनेश जैन कांग्रेस के एक नेता हैं जिन्होंने राजस्व की हानि पहुंचाते हुए 3,29,00,000 रुपए का राजस्व हानि पहुंचाई है सरकार को, जैन कलेक्टर ने उनके ऊपर खनिज का मामला है, खनिज का मामला है, खनिज पुलिस। देखो, ये उस कार्यकाल में इस तरह से कई लोग थे, धीरे धीरे प्याज के छिलके की तरह परतें उगड़ रही हैं और इसीलिए तो उस समय के वन मंत्री उमंग सिंगार ने बताया था इन माफियाओं के बारे में, जल्दी आएंगे सामने।